जरूर एकादशी व्रत रखनी चाहिए, भले ही कोई सोम मत रखे, मंगल मत रखे, और क्योंकि अलग अलग जो व्रत है अलग अलग देवात्री के लिए। सोमवार किसके लिए? शिव जी के लिए। मंगलवार हनुमान जी के लिए। बुधवार बृहस्पतिवार किसके लिए करता हूँ? विष्णु भगवान। बाकी लक्ष्मी के लिए भी अलग अलग व्रत अलग अलग। अब जगत में तो 33 करोड़ देवता, अब कितने को मनाओगे? एक मनाओगे दूसरे को लागर बढ़ जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे के देवता है, बाकी बिहारी जिसको कहते जाप और कृपा हरि की, वही ताप और कृपा करे सब। अगर कृष्ण किसी को भी खुश हो जाए ना, सब 33 करोड़ देवता अपने आप उसको भी खुश हो जाते। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखे, अर्जुन देख मैं कौन हूँ, जिसको लक्ष्मी कहते हो मेरे में, जिसको सरस्वती कहते हो मेरे में, जिसको दुर्गा कहते हो मेरे में, जिसको शंकर हनुमान जी कहते हो सबके साथ मेरे में। ये 33 करोड़ देवता मेरे अंदर में 33 करोड़ देवता। अगर भगवान कृष्ण अगर खुश हो गए तो सब अपने आप खुश हो जाए। इसलिए जो एकादशी व्रत है ये भगवान कृष्ण का भगवान राम का, इसलिए हम लोग को जरूर एकादशी व्रत हम रखनी चाहिए। एकादशी व्रत को बताया कल्पतरु व्रत। कल्पतरु मतलब होता है कल एकादशी, जो मांगो वही मिलेगा। एकादशी का नाम पुत्र था, एक का नाम इंदिरा, 15 दिन में एक बार आती है, लक्ष्मी आती है। एक का नाम अर्ण था, जिसको घर में अर्ण सस्य की कमी है उसको करते घर में अर्ण आती है। एक नाम विजया, जिसको करने से सब जगह तुम्हारा विजय होगा। एक का नाम है पाप मोचनी, जिसको करने से बहुत सारे पाप नष्ट हो जाएगा। एकादशी ऐसे एक व्रत है उसमें सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए एकादशी व्रत जरूर रखनी चाहिए। घर में उस दिन अर्ण नहीं बनानी चाहिए, ठीक है ना। अर्ण खाने से जितना पाप, अर्ण देने में उतना ही पाप है। अर्ण में को हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ये सारे पाप एकादशी का दिन अर्ण में रहते हैं। जैसे आप सोमवार नहीं करोगे, मंगलवार नहीं करोगे, बुधवार नहीं करोगे, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी नहीं करोगे तो पाप लगेगा, क्योंकि अर्ण में सारे पाप एकादशी का दिन रहते हैं, ठीक है ना। एकादशी व्रत जरूर करना। जो दूसरी चीज ये है कि घर में जरूर ठाकुर जी घर में होनी चाहिए, भगवान की सेवा पूजा भगवान कृष्ण की, भले कोई देवा देवता नहीं घर में, भगवान कृष्ण की जरूर लड्डू को पाल हो, नहीं तो राधा कृष्ण हो, हैं घर में ठाकुर जी जरूर होनी चाहिए। ठाकुर जी अगर खुश रहे ना, हम अपने आप खुश रहेंगे। अगर भगवान खुश हो गए, अपने आप तुम खुश रहोगे। अगर ठाकुर जी खुश नहीं है कभी तुम खुशी नहीं रह सकते। अगर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए ना, हम जैसे उदाहरण दिया है, जैसे अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ और शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना जैसे शरीर को सजाओ ना परछाई वैसे सज जाए। परछाई को सजाना नहीं पड़ता है, सजाना पड़ता है अपना शरीर को सजा दो, परछाई अपने आप सज जाती है। तो उसी तरह जो मूल है कि भगवान है, ठाकुर जी कृष्ण है, अगर उनकी अगर सेवा पूजा भोग लगा दो, ठीक से श्रृंगार कर दो, ठीक से इनकी भोग पूजा सेवा ठीक से कर, अगर ठाकुर खुश हो ना, हम भी संसार में हम भी खुश रहेंगे। ठाकुर जी खुश में हम भी खुश रहेंगे, ठीक है ना। घर में ठाकुर की सेवा पूजा कर, सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए? बोले आत्मव्रत। आत्मव्रत मतलब होता है जैसे गर्मी का समय में हम ठंडी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठंडी में गर्मी का चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठंडी का समय में ठंडा कपड़ा पहनते हैं, गर्मी में गर्म कपड़ा पहनते हैं। ठाकुर जी को ठीक वैसे ही ठाकुर जी घर में सेवा पूजा को ठीक वैसे ठाकुर जी की करनी चाहिए, ठीक अपना जैसे हैं, अपना जैसे घर में जो कुछ आए सबसे पहले ठाकुर जी को लगाओ। ऐसे नहीं कोई चीज़ आए ठाकुर को भोग नहीं लगा पहले ही चट कर गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले हर चीज़ को पहले ठाकुर जी को भोग लगानी चाहिए, फिर उसको प्रसाद रूप में घर में ग्रहण करनी चाहिए। दूसरे निष्ठा, फिर जो तीसरे निष्ठा है, फिर ये जो तीसरे जो निष्ठा बताया है तुलसी निष्ठा। तुलसी निष्ठा मतलब होता है जैसे घर में गले में तुलसी जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। घर में गले में तुलसी कंठी जरूर पहना, ठीक है। इसलिए जब महाराज जब दुखो कहते हैं, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं मेरे पास में मत लाओ, बोले पता कहीं चलेगा भक्ति करता नहीं करता। तो उदाहरण जैसे एक सधवा स्त्री
जैसे पता नहीं चलता सब नवा है, जैसे सिंदूर लगाते हो, नाक में घंटी हो, नाक में बेसर पहनती हो, मंगल सूत्र पहनते हैं, किसे पता चलता है ये सब नवा है। ये तो जगत का पति के लिए, शरीर का पति के लिए, जो आत्मा की जो परम पति है, जो पति का भी जो पति है, जो परमा, उसके लिए हमने किया धारण किया। इसलिए बताए तीन चीज जिनके लिए जरूर होनी चाहिए। जब महाराज को कहते कदल लाटे तिलकम, ये तिलक जरूर लगानी चाहिए। तिलक का बड़ा महत्व है, हम तो हिंदू है, देखना जैसे कोई अच्छे काम के लिए अपने तिलक डाल कर विजय, ये विजय तिलक इसको होता है। घर में पुजारी पूजा करने के लिए आएगा, जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा कोई पूजा ही नहीं करेगा। क्यों? तिलक के बगैर जो पूजा है ना वो निष्फल हो जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलता। इसलिए ब्राह्मण घर में आकर जब पूजा कराना चाहते सबसे पहले तुम तिलक लगाए, तिलक बाद में जाकर कहीं पूजा सेवा करा, ठीक है ना। देखो जो तिलक लगाता ना ये ब्रह्मा है, ये बीच में विष्णु, ये महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो ये है दो ठाकुर का चरण है। उसका यानी किसी देखो जैसे तुलसी पत्ता ठाकुर के चरण में देते हैं, ये तुलसी पत्ता जैसे क्या है। इसलिए जो तिलक हम बारी जगह पर लगाते हैं उसका अलग अलग नाम है, और तो संपूर्ण शरीर में भगवान की हमारी निवास है। इसलिए जरूर तिलक लगाना, कहीं भगवान की तस्वीर तो भगवान तिलक लगा, राम को देखो कृष्ण को भी तिलक लगाए, नारायण को देखो तिलक, हनुमान जी हो, गण 33 करोड़ देवता में किसी को भी देखोगे ठाकुर भी तिलक के बगैर नहीं रहते। इसलिए जो तिलक दर्शन कर लेता है उसका ठाकुर दर्शन हो जाता है। जिसको शरीर में तिलक है, गंगा जमुना सरस्वती और उसको दुर्गा सावित्री गायत्री सीता लक्ष्मी, उसको शरीर में निवास करते, ठीक है ना। तिलक पर ढीला नहीं करना, तिलक जरूर लगानी चाहिए, और गले में तुलसी की कंठी जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये तुलसी कोई लकड़ी नहीं, ये तुलसी कोई लकड़ी नहीं, ये तुलसी में साक्षात लक्ष्मी है। तुलसी जो नारायण के साथ में शादी होते हैं, तुलसी है, तुलसी की शादी होती है, क्यों? लक्ष्मी है। तो भगवान जब ये जगत छोड़ कर गए अपने आप कहाँ रख कर गए, तुलसी में रख कर गए शादी में अपने आप को, हाँ, वृंदावन तुलसी। इसलिए घर में पहले में सबके सब तुलसी कंठी पहनना, ठीक है। और तुलसी की पूजा है, तुलसी ना सामने तुलसी में पानी देना, नहा धोकर पानी देनी चाहिए, परिक्रमा चार परिक्रमा लगाना, तुलसी की भक्ति से ही उनकी कृपा से भक्ति भगवान के चरण में भक्ति मिलती है तुलसी, ठीक है ना। ये तुलसी में बहुत सारे मेडिसिन है, पहले में कंठी धारण कर स्नान करो, तुलसी का पानी जाएगा तो सारी बीमारी निकल जाएगी, और सारे तीर्थ में नहाना हो जाता है, बड़ी महिमा तुलसी की, ठीक है ना। तुलसी कंठी जल धारण करनी चाहिए, तिलक लगानी चाहिए। और जो चतुर्थ जो निष्ठा है भगवान की नाम निष्ठा, भगवान की नाम के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में नाम ही जाएगा। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रसन धन पाया, क्या जीवन में मिला तो जितने प्रभु का नाम क्या वही मिला, जगह में सब ही खो गए। हम जो नाम बढ़ते समय भारत में अंतिम समय में जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठाई बोलते ना। मतलब क्या, जीवन में जितने तुमने हरि का नाम लिया है वही आ रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया तुमने झूठे में जीवन जीता है। एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रहे, पत्नी जाएगी रो रो कर दरवाजा तक जाएगी उसको आगे चलेगी नहीं, परिवार चलेंगे तो शमशान तक उसको आगे ये भी नहीं चले, साथ में क्या चलेगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने हरि नाम कर वही साथ में उसके मिल जाएगा, जगह में सब ही खुआए हैं। इसलिए वैष्णव मात्र में हमें चार निष्ठा जरूर हमें होनी चाहिए, ठीक है ना। चार निष्ठा अगर हम सही है बस फिर तो ठाकुर चरण जरूर हम मिलेगा, ठाकुर की भक्ति मिलेगी, ठीक है। इसलिए हरिनाम पर भजन करो और घर में खूब खुश में रहो, और बच्चों को भी हरिनाम जब स्कूल जाने से पहले 10 मिनट देख लेना, एक माला जब करके जाना, ठीक है। क्या करोगे? हाँ, एक 10 मिनट लग गया उसको बोलना गुरु जी बोल कर गए थे माला जप करने के लिए, आपके हाथ से लिया माला महाराज जी, वृंदावन में आपसे लिया माला, ये महाराज जी छोड़ दिए माला, माला लाओ और महाराज जी करवा दिए, ये करना बंद कर दिए, कहीं वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, जब तक नहीं जाएंगे तब तक नहीं करेंगे। ऐसे तो भगवान कहाँ रहते हैं, उसी बात माला महाराज जी को दो, ठाकुर जी खूब देते हैं, लेकर जाओ। माता जी है महाराज जी, हृदय में नहीं, कहाँ रहते हो, पहले मेरे भक्त जहाँ भजन करते हुए
ये बात समझे वृंदावन जाने पर वृंदावन हो जाता है, नहीं वृंदावन में गड़ी गड़ी चोर भी रहते हैं वो थोड़ी वृंदावन वास हो जाता है, नहीं होता है। इसलिए अगर घर में बैठ कर भजन करोगे ना तुम्हारे घर ही वृंदावन है, ये मत समझो वृंदावन जाने पर चाय हाथ हो जाएगा। हाँ जानी चाहिए, लेकिन जिस घर में भगवान की सेवा पूजा भक्ति वही वृंदावन धाम है, वृंदावन और कहीं नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये घर में ठाकुर का नाम जप करोगे तो ठाकुर तुम्हारे घर भी है और कहीं नहीं ठाकुर जी, ठीक है। इसलिए गुरु जी कहते हैं जब हम माला लेते हैं ना गुरु जी से, बोले माला नहीं है हमारे पास में, भगवान ठाकुर जी आए, ठाकुर जी मान भगवान नाम रूप में आए ना ठाकुर जी। इसलिए कहते हैं कलयुग को केवल नाम आधार सुमेरी सुमेरी न रहो तरह पारा, कलयुग में भगवान नाम ही सब कुछ है। कहते मेरे भक्त जहाँ पर मेरे नाम लेता है, कृष्ण तो एक बार द्वापर युग में जन्म लिए थे, राम तृतीया युग में लिए थे, लेकिन कहते जिहा में जब कृष्ण नाम लेता है, जिहा में जब राम नाम लेता है, उतना बार भगवान तुम्हारे जिहा में जन्म ले लिए। इसके जिहा में भगवान का नाम लेते भगवान द्वापर युग में तो एक बार आए थे, लेकिन फिर कब आते, जैसे कि जिहा में जब हम भगवान का नाम लेते उतना बार भगवान जन्म लेते, तुम्हारे जिहा में ठाकुर जी जन्म लेते हैं तुम्हारे जिहा के ऊपर। इसलिए जहाँ भगवान का नाम भगवान बोले, गुरु जी कहते थे कभी भी माला को भूखे नहीं रखनी चाहिए, भूखे रखना मतलब अगर एक दिन ठाकुर का नाम जप नहीं किया उस दिन ठाकुर जी भूखे रह गए, ठाकुर जी भजन नहीं किया, ठाकुर जी स्नान नहीं किया, ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदलाए हैं, इसलिए कहते खुद भूखे रह जाओ, लेकिन माला कोई भूखे नहीं रहे, ठीक है ना। लेकिन जब तक ये माला नहीं जप करना तब तक भोजन नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है, ठीक है। आज से इसको हरिनाम करना शुरू कर दो, माला को भूखा नहीं रहना, ठीक है। कोई बात करना तो मेरे से फोन से बात कर लेना, लेकिन माला भूखा नहीं करना।